सी टूट गई सत्य तो फट गो टेंट। अरे गुरप्रीत भाई कैसे मुंह लटका के बैठा है, उदास सा लग रहा है, दुखी सा। अरे यार एपी भाई दुखी तो बहुत हूँ, नौकरी चली गई, बीबी छोड़ के भाग गई, घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा। पैसे आते हैं टिकते नहीं। अच्छा गुरप्रीत भाई तू मान ना मान, तेरे पे काई ने कुछ कर रखो है। अरे यार भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कुछ अंधविश्वास रहते हैं। अरे बावड़ी बूझ, एक बात बता, हवा को आज तक कोई देखो है? नहीं भाई। रहवे ने? हाँ भाई। अपन पाद मारे आज तक कोई देखो है? नहीं भाई। रहवे ने? हाँ भाई। कितनी बुरी बदबू मारे। सही बात है भाई। तो भाई यही तरीका सु भूत प्रेत जादू टूनो सब रहवे। अच्छा भाई। हाँ भाई मेरा पे भी ने एक बार तेरी तरह कोई ने कुछ कर दियो। अच्छा भाई। मेरो सेम तेरी तरह हाल होगो। के भाई माँ कसम। भाई तेरी कसम यार। भाई देख मेरे पास एक बाबा है बहुत पोचो, वो मैं कह रहा हूँ इतना पोचो हो तू माने कोई ना है, अपन चले माँ के पास, दूध को पानी और पानी को दूध कर दे। के भाई सच में माँ कसम। भाई तेरी कसम यार, तू डरे बहुत है यार, तू टेंशन मत ले, आ जा चलो अपन चल रहा है। आजा बाबा बहुत पोचे हुए हैं ये। अच्छा इनकी इतनी तपस्या है भाई, 100 साल की उम्र इनकी, 50 साल है। बाबा बगचोद की जय हो। बाबो टमाटर की जीके खावे हम चूर, और तुम दोनों का दुख कर दूंगा दूर। बताओ बेटा कहाँ परेशानी है? बाबा परेशानी हम दोनों के ना है, परेशानी या के है, या को मैं तेरे पास लेके आया हूँ, या को कोई उपाय कर। हाँ भाई बता कहाँ परेशानी है तेरी? अरे बाबा क्या बताऊँ, बहुत दुखी हूँ, पैसे आते हैं जेब में रुकते नहीं है। अच्छा अब समझ गो मैं तेरे परेशानी है, या को मतलब तेरी जेब फटी पड़ी है। अरे बाबा या को मतलब ये है कि या के पास पैसा ना रुके, या पे कोई ने कुछ कर रखो है, या को हाथ वात देख के या को बता कुछ। अच्छा तो ये बात है, नादान बालक बाबा हाथ ना देखे। अरे बाबा हाथ ना देखे तो बाको पिछवाड़ो देखेगो के। अरे यार मेरा कहना का मतलब ये है बाबो हाथ ना देखे, मैं सिकल देख के बता दू कौन के कई हो रो है। अरे तो भाई देख के बताए ने काई लू फिर बकचोदी कर रो है। लगो पतो यहाँ पे कोई ने कुछ कर रखो है। अरे बाबा बताओ ना मेरे पर किसी ने क्या कर रखा है, एक बार उसका नाम बता दो। बेटा जाने तेरे घर के ऊपर कुछ कर रखो है, उनके घर एक नीम को पेड़ है, और वो तेरा जानन वालो बंदो और तेरा गांव को बंदो है, और सुन वहां को घर तेरा घर के सामने की साइड है। अरे पी भाई मेरा घर तो सबसे लास्ट में, और मेरे सामने की साइड तो पूरा गांव है, अब मैं पूरे गांव को पकड़ू क्या, ये बाबा चूतिया है। अरे बाबा यार तू नुई गड़ंगी ने मत मार, अब तू सीधे सीधे ये बता या को इलाज का ही है। इलाज या के मारे तमार को थोड़ा सा सामान लाना पड़ेगा, और वह सामान से मैं हवन करूंगा। ले भाई आगे ना ठगने वाली बात, अब ये सामान के नाम से पैसे मांगेगा। बाबा तू एक काम कर, तू मेरे को सामान लिख के दे दे, मैं बाजार से ले आऊंगा। अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही सियाणो बन रहो, ये सामान का तो हमारे को पैसा बचे, अभी रुके आपको मजा चखाऊ। लिख एक दर्जन केला काला रंग की, और 5 नींबू गुलाबी रंग का, और 5 अगरबत्ती 5-5 फुट की, और 1 मग्गो दूध बिना बिहाई सियरनी को, ये लिया करना तुम्हारे को। अरे पी भाई ये कैसे कैसे सामान बता रहा है, अब शेरनी का दूध कौन निकाल के लाएगा? अरे तू सामान की ऐसी टैसी मार ना, पैसे निकाल उसके मुंह पे मार, अपने आप लेके आएगा सामान, कहाँ से लाएगा। ले बाबा ले 10,000 अपने आप सामान सारा ले आइयो। ठीक है हवन कर दियो छोरा को। ठीक है। A few moments later. अगर यार मेरो ऐसे ही धंधो चलतो रहे होने तो मेरी फॉर्च्यूनर बहुत जल्दी आ जाएगी। ओ बाबा उल्लू का पट्टा मेरो हिस्सो दे, मैंने भी तो थार लेके आनी है। अरे तेरो दे रहा हूँ यार, यही गिरा यार पैसा। और ये बकचोदी मत करेगा, ऐसे कस्टमर भग जाएगा कई दिन। दे रहा हूँ भैर तो काला नींबू कहाँ से आएगा, काला नींबू येरा।